नमस्कार, ये बाराबंकी का रेलवे स्टेशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं और वक्त लगभग 1 बज गया है, रात का 1 बजे। और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं क्योंकि एक बहुत ही सनसनीखेज घटना अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सामने आई है। यहाँ पर एक ट्रेन से करीब 6 लड़कियाँ संदिग्ध अवस्था में उतारी गई हैं और 2 लोग उन लड़कियों को लेकर, जानकारी मिल रही है, गुजरात जा रहे थे। आइए देख पता करते हैं क्या है पूरा मामला। और ये बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर हम लोग चल रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय नज़ारा बिल्कुल सुनसान है रेलवे स्टेशन पर, लेकिन फिर भी जो लड़कियां पकड़ी गई हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सनसनीखेज घटना है। वक्त आप देख रहे हैं रात का 1:06 है। रेलवे स्टेशन पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, देर रात का समय है। जो यात्री हैं भी वो सो रहे हैं या फिर अपनी अपनी ट्रेन पकड़कर जा चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर जीआरपी को सूचना मिलती है कि ट्रेन से कुछ लोग लड़कियों को संदिग्ध हालत में लेकर जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। देखिए ये जीआरपी यहाँ पर तैनात है और हड़कंप का माहौल मचा हुआ है क्योंकि एक घटना ऐसी है जिसने सनसनी पैदा कर दी है। ये जीआरपी थाना है बाराबंकी का रेलवे स्टेशन पर। ये देखें यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं महिला हेल्प डेस्क है यहाँ पर जीआरपी स्टेशन पर। और जो लड़कियां पकड़ी गई हैं या उतारी गई हैं ट्रेन से संदिग्ध अवस्था में, हम पता करने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है, आखिर कहां से आ रही थी लड़कियां और कहां जा रही थी, क्या मामला है, ये लड़कियां कहां से आ रही थी और कहां, कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? बरौनी से जो खड़े हो जाए, अच्छा, बरौनी से जो गुजरात जाती है ट्रेन, क्या नाम है उसका, मैं ट्रेन नंबर बता रहा हूँ, 19038 अवध एक्सप्रेस है। और इसमें का एक यात्री हमें 10 बजे रात को फ़ोन कर रहा था कि ट्रेन नंबर 19038 में D1 कोच में एक व्यक्ति 5-6 लड़कियों को लेके जा रहा है और वो लड़कियां रो रही हैं और उन लड़कियों को डरा धमका के चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसा लगता है कि ये लड़कियां कहीं से पकड़ के लाई गई हैं। इस सूचना पर हमारी टीम एक्टिव हुई और आकर के यहाँ जीआरपी इंस्पेक्टर साहब हैं और आरपीएफ के जो पोस्ट कमांडर हैं और आरपीएफ के जो लोग हैं, इनसे सबसे हमने मदद ली और ट्रेन को यहाँ जब रुकी तो उससे रेस्क्यू करके उन बच्चियों को उतारा गया है। मैं चाहूँगा अपना परिचय भी एक बार बता दें, आप यहाँ पर कैसे हैं इस समय? मैं रत्नेश कुमार हूँ, डायरेक्टर हूँ चाइल्ड लाइन से। अच्छा। 1098 हेल्पलाइन है और 1098 जो है उस पर जो भी फोन होता है वो सीधे सीधे चाइल्ड लाइन टीम को जाता है। अच्छा। तो चाइल्ड लाइन टीम बाराबंकी की एक्टिव हुई और उन बच्चों को यहाँ ट्रेन से उतारा गया है। अच्छा। जिन एडल्ट के साथ में ये लड़कियाँ थीं उनसे जब पूछताछ की गई तो वो कुछ स्पष्ट बता नहीं पाए हैं, ना तो बच्चियों के नाम बता पाए हैं और ना बच्चियों के पेरेंट्स के नाम बता पाए हैं। इससे थोड़ा सा संदिग्ध लगा और उनको पूछताछ करते हुए उतार करके यहाँ लाया गया है और अब इन बच्चियों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। बाल कल्याण समिति जैसा निर्णय लेगी वैसा आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, बच्चियां जब आपको पता चला ट्रेन में वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको बताया? ये बताया नहीं जाता है जी। एक ट्रेन का यात्री है, ट्रेन का यात्री है, उसने फोन किया है। उसको कुछ ऐसा लगा होगा ना कि लड़कियां, जब कहता रहा हूँ कि वो ट्रेन यात्री उसी बोगी में बैठा यात्री था और यात्रा कर रहा था, उसने जब देखा कि 5-6 लड़कियां रो रही हैं और इनके साथ कोई फीमेल नहीं है, अकेले इन लड़कियों को ले जा करके बगैर फीमेल के कैसे क्या करेंगे,
ये उसके मन में शंका जाहिर हुई और उसने फिर चाइल्ड हेल्पलाइन पे फोन किया। क्या रिजर्वेशन वाले कोच में थे या D1 एक जनरल कोच होती है। जनरल कोच होते हैं तो इन लोगों के पास क्या टिकट वगैरह आप लोगों को? हाँ टिकट मिले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बरौनी से मुझे लगता है टिकट कहाँ बरौनी से सूरत का टिकट था। अच्छा तो ये कुछ बताया इन लोगों ने कि लड़कियाँ कहाँ से लाए थे और क्या? इन्होंने बोला है कि गांव बराही है, थाना बितान, जनपद समस्तीपुर, यहाँ की लड़कियाँ हैं। और जो लोग एडल्ट लोग जो थे, इन लोगों ने कहा कि ये मेरे गांव की हैं। किसी ने कहा कि मेरे साले की लड़कियाँ हैं, किसी ने कहा मेरे चाचा की लड़कियाँ हैं। लेकिन जब ये बात कह रहे हैं कि चाचा की लड़कियां हैं, साले की लड़कियां हैं, जब उनसे हमने पूछा कि उनके नाम बताइए, चाचा के या साले के नाम बताइए, तो नाम नहीं बता पाए और लड़कियों के भी नाम नहीं बता पाए। अच्छा तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि मैटर कुछ संदिग्ध है और इसलिए पूछताछ करने के लिए ट्रेन से लाया गया है। और जो ये लोग हैं, इन लोगों ने बताया कि हम इनको सूरत लिए जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा सूरत पढ़ाने के लिए ले जाने की बात कहे हैं। अब संदिग्ध ये है कि 6-6 लड़कियां अवस्था 5 से लेकर 10 साल के बीच में है और कोई महिला नहीं है साथ में। हमने पूछताछ की कि क्या जहां पे आप जा रहे हैं वहां पे आपकी बीबी है साथ में, आप वहां कैसे रहते हैं? तो बोले मैं अकेले रहता हूं, वहां मैं मजदूरी करता हूं, हमारी बीबी मेरे गांव में रहती है। अच्छा तो ये और संदिग्ध हो गया कि इन लोगों ने कहा। अच्छा। तो ये और संदिग्ध इसलिए हो गया कि जब बीबी नहीं है वहाँ, कोई महिला साथ में नहीं है और ये 6-6 लड़कियां 6 साल से लेकर 10 साल एज ग्रुप की हैं, तो इनको बगैर महिला के साथ कैसे ये बाहर रहेंगी और कैसे इनका संरक्षण होगा, ये एक संदिग्ध लगा। बच्चियों से बात करने की कोशिश किया? फिर बता बच्चियों से बात किया, बच्चियों ने अपने पेरेंट्स के बारे में अपने बारे में बताया है। अच्छा। और ये भी बताया है कि हाँ हमें ये लिए जा रहे थे पढ़ाने के लिए। अच्छा कुछ पेरेंट्स से इनके संपर्क किया किसी से? कोशिश की गई है जी। सभी से तो संपर्क नहीं हो पाया, एक पेरेंट से संपर्क हुआ है जी। तो वो बोले हैं कि हाँ हम आएंगे बच्चों को लेने। नहीं तो उन्होंने बताया कि उनकी मर्जी से बच्चे जा रहे थे? एक लोगों ने तो कहा कि नहीं हम नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन फिर भी बच्चियां जाने को तैयार थी इसलिए चली गई। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, छोटी सी बच्ची है और कैसे परिवार से जिद करके जा सकती है। डिफरेंट डिफरेंट बातें निकल के आई हैं जी। और ये अभी हमारी विवेचना या कह लीजिए हमारी जांच का विषय है। हम अभी इसकी जांच करेंगे, पेरेंट्स को हम बुलाएंगे, कोर्ट जो है बाल कल्याण समिति जो है बाल कल्याण समिति के सामने हम इनको पेश करेंगे और फिर वो जैसा निर्णय होगा जो निकल के आएगा उस हिसाब से इनका। ऐसी जानकारी मिल रही है ये लोग पहले भी इस तरह से कुछ बच्चियां ले? हाँ इन लोगों ने तो कहा मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन लड़कियों से जो पूछताछ की है तो कुछ लड़कियों ने कहा कि मेरे गांव से पहले भी लड़कियां ले गए लेकिन लौट के वो लड़कियां भी नहीं आई हैं। अच्छा हाँ कितनी लड़कियां कुछ बताए लोगों? ये लड़कियां चूंकि शुरू में पूछताछ जो हुई है तो कुछ लड़कियां डरी हुई थी, कुछ लड़कियां सही से बता नहीं पा रही थी, तो ये धीरे धीरे नॉर्मल होंगी, इनकी काउंसलिंग होगी और जो फैमिलियर हो जाने के बाद पूरी बात निकल के आएगी। तो अभी हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। इस तरह का केस आपने पहले भी देखा होगा, क्या आमतौर पर आपके जहन में आ रहा है, कहाँ ले जा सकते हैं लड़कियों को? देखिए मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा मुद्दा है और बहुत ब्रॉड लेवल पे ये तस्करी होती है जी जी। खास करके पूर्वांचल के जो जनपद हैं, जो गरीब एरिया के हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के पेरेंट्स भी ये कह लीजिए कि बेच देते हैं। और बड़े पश्चिम के जो बड़े देश बड़े शहर हैं उन शहरों में बच्चों की तस्करी होती है, ऐसा क्राइम आपका जो NCERB का डाटा है वो भी आप ये बात कर रहा है। तो उन सभी आशंकाओं को देखते हुए हमने ये स्टेप लिया है। जब हम इन बच्चों का पूरा प्रॉपर संरक्षण का जो भी प्रक्रिया है वो पूरी कर लेंगे, अगर ये बाल कल्याण समिति महसूस करती है, समझ पाती है कि नहीं ये बच्चे रियल फैमिली के हैं, तो रियल फैमिली को संरक्षण में दिए जाएंगे। और ये भी पूछताछ की जाएगी, उनसे जांच की जाएगी कि ये रियल फैमिली है और विदाउट महिला कैसे इनको भेज रहे हैं और किस तरह उनका संरक्षण होगा, ये सब सारी बातें निकल के आएंगे जी। क्योंकि एक परिवार के लिए बहुत बड़ा ये वो कह सकते हैं कि उनके बच्चे हाँ, को ये को तो लेके ये चला तो जाए। अगर मैं भी कहूँ कि मेरी बेटी मेरे परिवार के बगैर और किसी अन्य व्यक्ति के साथ और इतनी दूर की सफर करे और वहाँ छोड़ दिया जाए, तो ये मेरे बस का नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये किस परिस्थितियों में इन लोगों ने किया है वो परिस्थिति का भी आकलन होगा।
कई केस आपने देखे होंगे कि जिसमें इस तरह से बच्चों को ले जाके उनके पार्ट्स भी निकाल के उसकी भी तस्करी होती होते है। हैं बहुत सारे होते हैं, भिखारियों का गैंग है जी। जो बच्चों को भिखारी बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों को ले जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हम पढ़ाएंगे, उनसे कहते हैं इनका हम संरक्षण करेंगे, और फिर शहर में ले जाकर के उनको विकलांग बनाते हैं, कभी उनकी आंख फोड़ दिया, कभी उनके हाथ पैर तोड़ दिया और चौराहे पर बैठा दिया भीख मांगने के लिए। ऐसे भी गैंग सक्रिय हैं देश में, उन गैंग का भी सदस्य हो सकता है कोई, अब किसी के मत्थे पे तो लिखा नहीं है कौन हो सकता है। तो इन सभी आशंकाओं को देखते हुए पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, बच्चे सुरक्षित हैं, बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन के संरक्षण में आ गए हैं। अब जब तक कि ये प्रॉपर संरक्षण नहीं आगे का क्लियर हो जाएगा, तब तक ये बच्चे बाल कल्याण समिति की देखरेख में संरक्षण में रहेंगे। जी, आपकी सतर्कता जो है काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने कई बच्चियों की जिंदगी बचाई एक तरह से, जो पहला देखने में लग रहा है जिस तरह से निजात खुद भी हो सकता था इनको ले जाके। अच्छा, अब क्या प्रोसेस होगा आगे का, अगर इन बच्चियों को अब आप कहां ले जाएंगे, अगर एक आम दर्शक जानना चाहे? ये बच्चियां चाइल्ड लाइन के संरक्षण में आने के बाद सबसे पहले इनका हम मेडिकल परीक्षण कराएंगे, क्योंकि आधी रात हो गई है, 1:00 रात का, रात में संभव नहीं है, कल रविवार है, हो सकता है कल रविवार को भी हम मेडिकल प्रोसेस ना करा पाए, तो मंडे को हम इनका जो है मेडिकल परीक्षण कराएंगे। तब तक की चाइल्ड लाइन के संरक्षण में रहेंगे और मेडिकल परीक्षण करा के हम बाल कल्याण समिति के सामने पेश करेंगे। बाल कल्याण समिति जैसा निर्णय लेगी, जैसा आदेश करेगी, उस आदेश का अनुपालन चाइल्ड लाइन के द्वारा किया जाएगा। अगर वो आदेश करती है कि जब तक कि पेरेंट्स की जांच नहीं हो जाती है, जब तक कि पेरेंट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक कि इन बच्चों को बालगृह में रखा जाएगा, तो बालगृह के लिए आदेश होगा, फिर हमारी टीम बालगृह में इनको दाखिल कराएगी, बालगृह में इनका संरक्षण होगा और जांच पड़ताल की जो प्रक्रिया है वो होती रहेगी। जब वो क्लियर हो जाएगी और जब इन बच्चों को लेने के लिए कोई दावा प्रस्तुत करेगा कि नहीं ये बच्ची हमारी है और हम इनको लेंगे, तब वो बालगृह से बाल कल्याण समिति के माध्यम से रिलीज की जाएंगी और पेरेंट्स को सौंपी जाएंगी, घर वापसी कराई जाएगी। अच्छा, बच्चियां भूखी प्यासी भी थी क्या? कुछ काफी कुछ बताया? नहीं, बच्चियों ने बताया कि रास्ते में हमें चूड़ा और क्या क्या खिलाया है, रास्ते में खस्ता खिलाया है, और यहां उतारने के बाद भी हमने कोशिश किया है, RPF और GRP की टीम ने भी बच्चों को खाने के लिए कैंटीन से भोजन मंगाया है, भोजन दिया है, हालांकि बच्चों ने नहीं खाया है ये कह करके कि मैंने अभी खाया, भूख नहीं है, हो सकता है जब उतार के लाए हैं थोड़ा सा एक डर का माहौल होता है, बच्चे थोड़ा डरे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ना खाया हो। अभी इनकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के साथ साथ में फैमिलियर और बाल मित्र व्यवहार होगा, फिर वो खुल जाएंगे और उनको जो जरूरत होगी, अगर खाने की जरूरत होगी तो उनको खाना मिलेगा, और जो भी है उनकी सारी संरक्षण की जिम्मेदारी चाइल्ड लाइन के माध्यम से पूरी की। GRP का कितना सहयोग आपको मिला? जब पूरा सहयोग है GRP, देखिए मेरा तो काम ही है, जैसे ही कोई ट्रेन से रिलेटेड कोई भी बच्चा हमको आता है चाइल्ड लाइन में, तो सबसे पहले हम GRP इंस्पेक्टर को फोन करते हैं और RPF के जो पोस्ट कमांडर हैं उनको फोन करते हैं, और दोनों डिपार्टमेंट के लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिलता है। और आज जो रेस्क्यू हुआ है वो RPF और GRP के जो पूरी टीम है उसने बुढ़वल से लेकर के पूरा मॉनिटर करते हुए बच्चों को ट्रेस कर लिया गया है बुढ़वल रेलवे स्टेशन पे ही। अच्छा, बुढ़वल जानकारी कब मिली, ट्रेन कहाँ थी उस समय? गोंडा से छूटी थी। अच्छा, ट्रेन गोंडा से छूटी थी तभी ये हमें जानकारी में आ गया था। एक यात्री उसी बोगी में बैठा यात्रा कर रहा था और ट्रेन पे से वो उतरा है गोंडा में, तब उसने फोन किया। अच्छा, ये उसकी भी जागरूकता है कम से कम उसने, क्योंकि जागरूकता ये है कि जब उतरा तो उसने फोन किया, और थोड़ी सी जागरूकता और ये होनी चाहिए थी कि जब बच्चों के साथ रहा उसी समय फोन करना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा होगा कि हम उतर लें तब फोन करें, कहीं कोई विवाद ना होने पाए, तो इसलिए भी ऐसा किया होगा। क्या उसको भी किसी पार्ट उसमें गवाह वगैरह बनाया जा सकता है? नहीं, जो कई लोग आप जानते हैं, डरते हैं ना? आप जानते हैं मीडिया में जब आप हैं तो सूत्र जो होते हैं एक्सक्लूज नहीं होते हैं। हमारे यहाँ चाइल्ड लाइन में जो भी कॉल होती है, कॉलर जो होता है वो हमेशा गोपनीय होता है, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड में ना तो कहीं कोई गवाही देना है, ना तो कहीं कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना है, और ना ही उसकी कोई पूछताछ होनी है। कॉलर है, किसी को भी लगा वो फोन कर सकता है,
और हमारी टीम उसका रेस्क्यू करेगी, आउटरीच करेगी, इंटरवेंशन करेगी, जो भी निकल के आता है वो चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति और संबंधित जो विभाग है, चाहे वो पुलिस हो, जीआरपी हो, आरपीएफ हो, उनके सबके सहयोग से बच्चे का संरक्षण कंप्लीट कराते हैं। उन लोगों से एक बार आप बात करेंगे क्या जिन लोगों के साथ लड़कियां पकड़ी गई हैं? वो बात हो चुकी है मेरी। एक बार मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उनसे पूछें क्या मामला है, कहां से आई हैं लड़कियां, तो कहां लेकर जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरताज। ये बच्चियां कहां मिली आपको और कहां लेकर जा रहे थे? ये बच्ची, एक लड़की हमारी खुद की है और बच्ची भी हमारे गांव के ही है। गांव के हैं, तो आप कैसे लेके जा रहे थे इतनी बच्चियों को? नहीं तो के ये जो भाई साहब है हमारे, ये ये अपनी लड़की को छोड़ के आए हैं मदरसा में और वहां पे पढ़ाई होता है, तो इस वजह से उधर ही ले जा रहे हैं। और हमें भी सोचा कि हम भी अपनी लड़की को लेके जा रहे हैं, वहीं पे मदरसे में कहीं डाल देंगे, अगर जगह उस मदरसे में जगह हुआ तो ठीक है, तो जहाँ जगह मिलेगा वहीं डाल देंगे, उधर ही काम कर लेंगे। अगर नहीं उधर काम मिला तो मान लीजिए दिल्ली आ जाएंगे, और बच्ची अगर हमारे पास रहेगा तो महीना दो महीना मिल भी लेंगे। आपको ये अधिकार किसने दिया इन बच्चियों को लेके जाने का? किसने कहा आपसे इन बच्चियों को लेके जाइए? उनका माए बाप दिया है। अब आप तो इनकार कर रहा है कि हम नहीं भेजना चाह रहे थे। नहीं सर, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है? तो इन लड़कियों को आप ले जा रहे थे, कुछ गलत हो जाता है इनके साथ तो कौन जिम्मेदारी लेता? सर जी देखिए, गलत क्या है कि ये छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से उनको ले जा रहे थे। तो वहाँ नहीं पढ़ाई हो पाती क्या? वहाँ भी तो माँ बाप के पास रह के पढ़ाई कर सकते। सर सर गाँव में उन्हें ये नहीं पता कि मम्मी क्या होता है, डैडी क्या होता है। स्कूल में भी है, हमारे गांव में स्कूल भी है, और वो सब पढ़ाई नहीं होता। एक साल हो गया इनको ए बी सी डी नहीं आता सर, एक साल हो गया। इस स्कूल में ले जाके पढ़ाते हैं, इनका खर्च कौन उठाता? हाँ सर, खर्च कौन उठाता है? सर वहाँ पे मदरसे में खर्च नहीं लगता है, ऐसे पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है आपका? मोहम्मद सरताज। आपका? मोहम्मद अकबर। मदरसा जो है वहाँ पे उसका क्या नाम है? उसका नाम तो सर अब जैसे पता करेंगे वहाँ जा करेंगे। तो आप बिना पता किए लेके चले जा रहे बच्चों को? जहाँ ये जहाँ पर ये ले जा रहे हैं बच्चे को, वहीं पे जाकर पहले हम पूछते हैं कि जगह होगा। पहले भी इस तरह से लेके बच्चों को? नहीं, मैं नहीं, पहली बार जाकर लेके गया अपनी लड़की को। क्या किया उनको? उस लड़की को वहाँ दे के आया पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? तो जहाँ ये रह रहे थे वहाँ भी तो पढ़ाई की व्यवस्था होगी ना? नहीं है सर वहाँ व्यवस्था। आप लोग गलत काम कर रहे थे क्या? नहीं कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं सर, कोई गलत नहीं। अपना बच्चा को छोड़ के आए, अपने बच्चे को लेके जा रहे थे, बच्चा का अपने छोड़ के आए थे। तो हमारा साला लोग बोला जैसे हमारा बच्चा थी आपके साथ टोटल? हमारे साथ तीन बच्चे, तीन बच्चे इनके साथ, तीन बच्चे हमारे साथ में। अच्छा, और रहने वाले कहाँ के हो तुम लोग? बिहार के। बिहार के, वहाँ क्या करते हो वहाँ पे? कहाँ सर? सर हम लोग सर वहाँ पे कोई लेबर के काम करते हैं सर। लेबर के काम करते हैं सर? लेबर का काम करते हैं। तो यार तुम लोग तो मतलब एक संस्था चलानी चाहिए, तुम लोग को ले जाके बच्चों को वहाँ पढ़ाओ जाके। नहीं नहीं सर, हम ऐसा तो नहीं है सर, बचाएंगे पैसा कोई उतना कहाँ से कमाए, हम तो सारा टांग का नंगड़े। इन बच्चों के माँ बाप को जानते हो कहाँ से लाए? हाँ सर, हमारे गांव के ही हैं सारे, सब सब बच्चे हमारे गाँव के हैं, बस गाँव के बच्चे हैं, उसके माँ बाप सब है। बच्चे जब सही बताएंगे उनको, जब वो थोड़ा डर से निकलेंगे तब सही बता दें, इससे पहले तुम ही लोग सही बता दो क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, वो हम सही बताएं, हम लोग कहे बच्चा लोग पढ़ने के लिए हम लेके जा रहे थे। आप लोगों ने जानने की कोशिश की ये क्या? देखिए प्रथम दृष्टया जो हमारी इनकी पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने ये बताया कि हम बच्चों के माँ बाप का नाम नहीं जानते हैं, बच्चे का भी नाम नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि ये बराही गांव के थाना बितान जनपद समस्तीपुर के हैं। हमने पूछा इनका कोई और रिकॉर्ड है कुछ है, तो इन लोगों ने पहले तो कुछ नहीं बताया। उसके बाद में हमें उन बच्चों का आधार कार्ड जिसमें उन बच्चों का फोटो है और उस पर किसी किसी का पेरेंट्स का नंबर भी है। अच्छा, जब ये दिया तो थोड़ा मुझे और शंका जाहिर हुई कि जब इनके पास आधार कार्ड भी है, बच्चे का फोटो भी है, उसमें बच्चे का नाम भी है, माता पिता का नाम भी है, और इन लोगों ने माता पिता का नाम और आधार बच्चे का नाम बताने से इनकार किया कि हमें नहीं पता है। आधार कार्ड में बच्चे का अलग से फोटो चिपका करके अपने साथ रखना और उस पर फोन नंबर लिखना और जिस नंबर को उस पर लिखा गया उस नंबर पर डायल करें हैं तो
क्या बोलते हैं डायल टोन पे जो आता है ना ट्रू कॉलर पे, ट्रू कॉलर पे किसी जो है सुधीर नाम का उस पे लिख के आया है, तो थोड़ा सा डाउट है। अब जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे की कार्रवाई विवेचना। अच्छा, ऐसा नहीं क्या कि ट्रेन में और भी कुछ लोग हो सकते हो जो और इस तरह से बोगियों में या बच्चियों को लेके जा रहे हो? संभव है, कुछ भी संभव है। बस यही है कि जब तक कि हमें हमारे पास कोई सूचना नहीं आती है, हमारे पास केस जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता है तब तक कि हम रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं जी। और आउटरीच करते हैं, हमारी टीम प्लेटफार्म पर आउटरीच करती है। अगर प्लेटफार्म पर कोई बच्चा हमको इस तरह से दिखता है तो पूछताछ करते हैं। ये वही बच्चियां हैं जो ट्रेन से मैं आपसे बताना ये चाहूँगा कि जो हमारी ये बच्चियां हैं इन बच्चियों का वीडियो और फोटो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी दरख्वास्त है, निवेदन है कि इन बच्चियों का वीडियो और फोटो ना लिया जाए। आप पूछताछ एडल्ट से कर सकते हैं और ऑफ रिकॉर्ड पूछताछ कर सकते हैं बच्चियों से। ठीक है, हम आप पूरी बात समझते हैं आपको और हम बच्चियों का चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है इस तरह का। आप लोग मैं चाहूँगा अच्छे से दिखाएं कि ये बच्चियाँ कुल छः बच्चियाँ हैं जो छः बच्चियाँ हैं पीछे सारी जिनको ट्रेन से रेस्क्यू किया गया है। ये छह बच्चियां हैं जिनको ट्रेन से रेस्क्यू किया गया है और अब इनको लेके तमाम कानूनी कार्रवाई की जाएंगी, इनसे पूछताछ की जाएगी, काउंसलिंग करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये बच्चियां कहां जा रही थी और इनको ये जो लेके जा रहे थे इनका क्या मकसद था। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो लोग पकड़े गए हैं ये पहले भी इस तरह से बच्चियों को लेकर ट्रेन से गए हैं और इनसे जब बात की गई तो इन लोगों का कहना है कि ये बच्चियों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर मदरसे में एडमिशन कराने के लिए ले जा रहे थे क्योंकि जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से है और वहाँ इन लोगों की पढ़ाई लिखाई का कोई साधन नहीं है। हालांकि जो चाइल्ड लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जब बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं हुई है। इनके पेरेंट्स को जब फ़ोन किया गया तो कईयों का फ़ोन नहीं लगा और जिनका फ़ोन लगा उनका बात हुई तो उनका कहना था कि ज़बरदस्ती उनके बच्चियों को ये लोग लेकर आए हैं। हालांकि अब ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर ये लड़कियां कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे जा रही थी, कौन लेकर जा रहा था और ये तमाम चीज़ें जांच के बाद ही पता चलेंगी। और हम जीआरपी इंस्पेक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बात जीआरपी से आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम चहलकदमी है और इन बच्चियों को सुरक्षा में और ले जाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। जी जी आरसी इंस्पेक्टर साहब, आपको कब पता चला इन बच्चियों के बारे में और सबसे पहले आपने क्या एक्शन लिया, कैसे इन लोगों को? मुझे डायरेक्टर साहब का फोन मिला चाइल्ड लाइन से कि 13038 ट्रेन में जो है 19038 या जो है अवध एक्सप्रेस में जो है D1 में 5-6 बच्चियां हैं जिनके साथ 2 आदमी हैं और कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं और चेक कराना है। तो मैंने कहा सर ठीक है। फिर डायरेक्टर साहब जो है मैं टीम के अपनी आ गए, चाइल्ड लाइन की टीम। उस समय ट्रेन करनैलगंज में खड़ी थी। अच्छा, तो फिर हम लोग वेट करते रहे कि ट्रेन कब आए। उसके बाद मैंने जो है अपने चौकी इंचार्ज बुढ़ोल को बताया कि तुम्हारे यहाँ ट्रेन खड़ी होती है बुढ़ोल में, आप जो है अपने यहाँ बुढ़ोल में ट्रेन में देखिए क्या ये इस तरीके के कोई व्यक्ति हैं। उन्होंने देखा तो अपना सिपाही भेजा, वो गए तो बताया हाँ सर 6 बच्चियाँ हैं और 2 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और टिकट वगैरह सब कुछ है जो बरौनी से जो है सूरत जा रहे हैं। अच्छा,
उन्होंने वहाँ पूछा तो इन बच्ची एक बच्ची ने बताया कि हमारे ये पापा हैं, एक ने बताया कि हमारे मामू हैं, एक ने बताया हमारे चाचा हैं। तो हमने कहा एक सिपाही लगा दो और स्पोर्ट जो भी टीम है कोई उतरने ना पाए और बस सुरक्षित यहाँ ले आओ, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ट्रेन जब आई है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर, फिर हम लोगों ने जो है रेस्क्यू किया, इन लोगों को उतारा। इन लोगों से पूछा गया तो ये लोग बच्चियों के नाम नहीं बता पाए, ना इनके पिता के नाम बताए। हाँ उसी गांव के। अच्छा। बताया मैं एक ही गांव के हैं, तो सबके एड्रेस पूछे गए तो बच्चियों ने बताया कि हमारे गांव के हैं, एक ने बताया कि हमारे पापा हैं और एक बच्ची ने बताया कि हमारे मामू हैं, 2-3 बच्चियों ने बताया हमारे चाचा हैं। मैंने कहा नाम जानती हो, कहा नाम नहीं जानते। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर बच्चियों से पूछा तुम जा कहाँ रही थी, बताई मैं गुजरात जा रही थी। बच्चियों को अपना गाँव थाना जिला सब याद है। पूछा कहाँ जा रही थी, सभी बच्चियों ने बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे अलग अलग पूछा गया, सबका जवाब यही है कि हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इन लोगों को पहले से ट्रेन करके यहाँ लाया गया, चाइल्ड ट्रैफिक से जुड़ा हो सकता है ये केस? अब मैं तो कई तरीके से पूछा हूँ लेकिन बच्चियों का तो जवाब यही है जी। अभी ये इस संबंध में अभी पूछताछ फिर से शुरू होगी, अभी जो है रोके गए हैं, इस पर जाँच चल रही है, जैसा भी होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसी और बोगी में इनसे जुड़े लोग तो नहीं थे जो बच्चियों को? नहीं नहीं, और कोई नहीं थे, बस इतने ही लोग थे, क्योंकि हम जो जनरल बोगी लगी थी हमने सब चेक करा लिया था कि इस तरीके का और कोई तो नहीं है। कुछ दिन पहले भी क्या इस तरह से कुछ केस आपके सामने? नहीं, हमारे सामने भी नहीं आया। अच्छा, मैं चाहूँगा आप अपना पर्चे एक बार दे दें। मैं अनूप कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक GRP 12 बनकी। जी बहुत धन्यवाद अनूप जी। तो ये अनूप जी थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से इन्होंने बच्चियों को रेस्क्यू किया। अब ये पूरा जांच का विषय है, जो लोग पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर ये बच्चियां कैसे इनके पास आई और ये कहां से आ रही हैं और कहां जा रही थी, क्या असल मकसद था, जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो छुपा रहे हैं। तो ये पूरा जाँच का विषय है और जाँच के बाद ही पता चलेगा, उसके बाद इस केस में जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुँचाया जाएगा। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, द NH0 के लिए।